बैक गाइस इन माय अनदर व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं बाजार बाजार और बिल्लो खाना लेने जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे बिल्लो खाना लेने? सोम बाज़ार है, हम सोम बाज़ार में डॉग फूड्स ढूंढ रहे हैं और बिल्लियों के लिए जो है खाना लेके फिर हम वापसी अपने घर जाएंगे। बिल्लियां बहुत भूखी हैं, चलिए देखते हैं बाज़ार। आज हम फिलहाल पेट शॉप पहुंच गए हैं, चलिए तो बिल्लियों का फूड लेने आए थे हम, अंकल से लेने आते हैं जब भी ख़त्म हो जाता है। अंकल ने देखो कितनी सुंदर पेंटिंग की है, ये आप समझे जो ये वैसे नहीं आए, इन्होंने पेंट किया है इनको। जब मैं पहले आता था सर में कोई भी पेंट नहीं था, यहाँ से डॉग्स वगैरह लगे हैं जो सब अंकल ने पेंट किए छोटे छोटे। आप कितने बारीकी से किए से डॉगी 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 डॉग के सब डॉग के। सोम बाज़ार में है कोई भी एनिमल्स हो, खरगोश डॉग बिल्ली सभी का यहाँ पे फूड्स खाना वगैरह सब मिलता है, बिस्कुट वगैरह सारे मिलते हैं यहाँ पे सोम बाज़ार में। और डॉग भी लेना हो तो डॉग भी यहाँ पे मिलते हैं। अब मैं अंकल से ही ले जाता हूँ, बच्चों ने बिल्लियाँ पाली हुई है तो अंकल से ही खाना पीना ले जाता हूँ। चलिए आज बहुत भूखी थी तो देख के मैंने मन सा हो गया, मैं लेने आया। बच्चों ने बताया कि इसका खाना ख़त्म हो गया तो लेने आया हूँ, 5 पैकेट लेके जा रहा हूँ। पेंटिंग की है इन्होंने, कौन सा कलर लगाते हैं अंकल ये इस पर? ये फेविक्रिल का। फेविक्रिल का, बताओ आप शायद ड्राइंग थे क्या पहले क्लास में, ड्राइंग करते थे क्या? कितनी सुंदर की है। आप लोग देखो यहाँ पे ये डॉग भी सेल करते हैं और जो जानवर का फूड वगैरह तो खरगोश वगैरह ना यहीं पे है, पर यह है सोम बाज़ार में अच्छे रेटों में और पास में ही। और देखो फिल्म भी कर रखा है, मैं दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कितना बढ़िया बना रखा है, बताओ। ओहो कोई पेंटिंग करानी तो अंकल के पास आए और डॉग वगैरह लेना हो तो भी आए। बढ़िया कौन कौन से रखते हो अंकल वैसे डॉग? जो से भी सारे सब मिल जाएंगे, जो इंडिया में अवेलेबल होते हैं सब मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे इन पे। सोम बाज़ार में इनकी दुकान है। बड़ी खुशी हुई अंकल आपसे बात करके, काफ़ी 3-4 महीने से तो मैं आ ही रहा हूँ आपके पास तो पहचान सी भी हो जाती है। चलिए चलते हैं। ये मैं आ गया हूँ घर पे इस टाइम, और जब मैं आया तो बिल्लियाँ बहुत भूखी थी, पाउच लाया हूँ खाने के लिए उनको, और बच्चों ने बताया नहीं
अब बेचारी एकदम मरी हुई सी हो गई, वो मेरे से रहा नहीं गया। कितनी बेचैनी हो रही है उनको, देखो कितनी भूखी हैं, कितनी भूखी हैं, देखो 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 कितनी भूखी हैं, देखो कितनी भूखी हैं, कितनी भूखी हैं देखो। तो गाइस हम ले आए हैं बिल्लियों को, बड़ा ही तरस आता, दिन भर भूखी थी आज बिल्कुल। ननन नन्नी ने बताया और ना ही पायल ने बताया, बताओ कितनी भूखी हैं। अब इनको कहीं हम छुड़वा देंगे, कभी कभी जब लेने वाले आ जाते तो हमारा मन बदल जाता है, हम छोड़ते नहीं हैं। चलिए देखते हैं, खाना खा रही हैं अभी तो, इसके बाद खेलेंगी। अभी खरगोश अपना लगा पड़ा है, ये तो पूरे दिन लगा खाता, ये दिन भर रात भर जितना आप खाना दोगे उतना ही खाते रहेंगे। इनको तो खुला छोड़ते हैं, ये तो खुला रहते हैं, पीयू और ये बुद्धि खुले रहते हैं ये हमेशा। धनिया के अब तो थोड़ी सस्ती होगी धनिया गाइस, धनिया में ज़्यादा डालने का बनना कुछ नहीं। तो गाइस बिल्लियाँ भूखी थी तो हम खाना लाए हैं, और ये लड़का गोलगप्पे बना रहा है। चलिए देख, मम्मी बना रही है, चलो तो देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। आज हम वो लगाएंगे, किचन में दिखा क्या, वो हम लगाएंगे क्या उसको क्या कहते हैं, कौन सबसे ज़्यादा दो मिनट में कितने खाते, चैलेंज करेंगे आज। नन्नी और हमारा पीयू भी आ गया, पीयू भी खाता है। कितने सेकंड हो गए भैया, 11 सेकंड, 12 नहीं खा पाएगा वो, तो हार जाएगा। चार हो गए, कितने सेकंड में हो गए, 25 सेकंड में से 25 सेकंड में। नहीं रोहित जीत गया, पायल अभी खाए जा रही है, देखो पायल के 3 बचे अभी 3 बचे हैं। एक ही बचा उसका, बोला आखिरी था ये। चलो दोनों ने खा लिया, चालू गया चलो 15 सेकंड में तो तीनों ने फिनिश कर दिया भाई, इसका 11 सेकंड में, रोहित का 11 सेकंड में, इसका 13 सेकंड में, इसका जो 15 सेकंड में।